या तो हमारी आ गई है टैक्सी, और वो देखिए सामने मून भी निकल रहा, रात के बज रहे हैं 1। तो हमारा हो गया लगेज। सुरेश, आर यू रेडी टू गो? नाउ वी आर रेडी टू गो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो अभी हम हैं अबू धाबी के लॉन्च में, और रात के बज रहे हैं 3 o'clock, और हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्च का मजा ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लुक एट दिस वन। So all are the vegetarians, dal, rice and pasta. So हमारी फ्लाइट सुबह 6 o'clock की है, तो हमने सोचा चलो पहले लाउंज का मज़ा ले लिया जाए। सो वी स्टार्टेड, अभी बहुत टाइम है, सो वी टेक अ रेस्ट इन द लाउंज। चलिए हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कि हम आज नई डेस्टिनेशन में कहाँ जा रहे हैं। चलें, लेट्स गो। दिस इज़ अबू धाबी लाउंज का ये एक एरिया है जहाँ पर कुछ लोग सो भी रहे हैं। तो गाइज, आज से हमारी एक नई ट्रैवलिंग चालू हो रही है। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, सो गो एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। सो अभी हम एयरपोर्ट में हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 6 o'clock हमारी फ्लाइट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं कि कैसा बनता है। सो चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू न्यू माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट। पर धांसू वाला वीडियो होने वाले हैं, तो एक नया डेस्टिनेशन हम दिखाने वाले हैं। सो चलिए फ्लाइट में बैठते हैं, और फिर थोड़े आपको ऊपर से स्काई व्यू दिखाते हैं। लेट्स गो। फरुकोल, अपनी जैकेट निकाल लो, आपके पास है। सो फाइनली 9 o'clock मॉर्निंग के हम लोग पहुंच गए हैं बाकू, अजय भाईजान। अब यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, और सीधे पहले चलते हैं होटल में, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, फिर आज की डे की जर्नी आपको दिखाते हैं। बट एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन है। लुक एट गाइस, दैट्स एयरपोर्ट, खाली है बिल्कुल। तो ऐसा लगा सिर्फ हमारी फ्लाइट आई है यहाँ पर। हाल बुरे हो गए, पूरी फ्लाइट में सोते आए, कब चली और कब उतरी पता ही नहीं चला। ये देखिए, ओके, यहाँ पर जिन्होंने वीज़ा नहीं लिया उनके लिए, एंड दिस इज इमिग्रेशन। हमारे पास ई वीज़ा है। दैट्स द एयरपोर्ट, वाओ। सो दिस इज छोटा सा इनका ड्यूटी फ्री है ये। वी आर वेटिंग फॉर लगेज,
आई थिंक एक तो आ गया है, मेरा ही होगा क्योंकि बहुत कम लोग लगेज लेकर चल रहे हैं। अदरवाइज हाँ, छोटा सा है बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बाहर जो टेम्परेचर हो रहा है वो 11 डिग्री हो रहा है, तो बाहर अच्छा खासा ठंडा होने वाला है, बट टुडे इज़ अ सनी डे, तो इसलिए लेट्स सी क्या होता है आज। तो फर्स्ट बैगेज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं घूमी घूमी करने। राजीव, सो दिस इज अवर ट्रेवल एजेंट। हाय, सो दिस इज आउटसाइड, इट्स अ ब्यूटिफुल एयरपोर्ट इज देयर गाइस। इनका जो बाहर से सुना है एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, बट अभी भी जो दिख रहा है इट्स सो ब्यूटिफुल। सो गाइस, पहले दर्शन अजरबैजान में बाकू, देखिए। ओह, वैसे तो 11 डिग्री हो रहा है बट इट्स वेरी सनी। हाँ हाँ, वो एयरपोर्ट उधर फ्लाइट में बोल रहे थे इट्स 11 डिग्री। हाँ, बट लुक एट द एयरपोर्ट, ओ वाओ, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। एंड देयर इज अ बस स्टैंड भी लिखा हुआ है, अगर किसी को बस पकड़नी है। लुक एट गाइस, सो वो बड़ा सनी रहा है, ऐसा ठंडा नहीं हो रहा बट थोड़ी हवा चल रही है। हाँ, ये देखिए टैक्सी कैसी है, ऐसी लंदन में देखी थी। ये देखिए, दिस इज अ टैक्सी, ऊपर लिखा भी है टैक्सी। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन, एंड आई थिंक फॉर मी वेदर इज परफेक्ट। और ये कितनी प्यारी लग रही हैं गाड़ियाँ, ऐसे लाइन बारी से खड़े होते हुए। लुक एट गाइस, and this is a hole, that one, ये देखे कितना सुंदर लग रहा है इनका एयरपोर्ट। और हमने यहाँ ट्रेवल एजेंट दुबई से कर लिया था, तो हमारे पास 5 days, हमारा 6 days यहाँ हमेशा ये ड्राइवर रहेगा। सो और गाड़ी मस्टरी पूरा बड़ी वाली मस्त वाली गाड़ी रहेगी। और यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लुक मस्टरी, एंड दिस इज़ अ निसान पेट्रोल। ओह, सो हम दुबई में तो देखते ही हैं, यहाँ पर भी लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। थोड़ा दुबई वाला फील आता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखो ना, ऑडी, पोर्श, वाओ, इट्स वेरी नाइस। ओह, प्राडो भी दिख गई मुझे यहाँ पर, लैंड क्रूजर। ये देखिए, एंड दिस इज अ व्यू, ओ वाओ, हाइड्रेट एयरपोर्ट, वाओ, इट्स लाइक दिस। तो चलिए, हम आपको सीधे होटल में मिलते हैं और थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर आगे की आज का डे इसी में ऐड करके करते हैं पूरा। एंड दिस इज अवर कार, तो हमने उसको बोला था कि हमें बड़ी मर्सिडीज चाहिए। सो दिस इज अवर कार। हाँ, यहाँ पर भी रख सकते हैं। श्रेय, से हाय।
प्यारे स्ट्रक्चर है ये, बहुत से लोगों ने बैल्कनी में फ्लैग्स भी लगा रखे हैं। ये देखिए, दिस इज अ वेरी फेमस बिल्डिंग इन अजरबैजान म्यूजियम, दिस इज अ वेरी फेमस, सो इसके अंदर भी जाएंगे। हमें यहाँ पर ट्रेन ट्रैक भी दिखा, ये देखिए। सो अभी हम बाकू की छोटी छोटी गलियों में घूम रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पार्किंग का बड़ा मसला है, सारी गाड़ियाँ ऐसी मतलब हैं तो कार ऐसे, बहुत स्ट्रीट नैरो है। हैदराबाद रेस्टोरेंट। सो गाइस, जिससे कि अभी हमको होटल हमारा आफ्टरनून में मिलेगा, सो हमने अपना लगेज रख दिया और उसके बाद फिर हम थोड़ा अपना मनी एक्सचेंज सेल लेने, वो सब लेने जा रहे हैं सब करने। सो सोचा कि चलो छोटी छोटी गलियों में से, इसीलिए बाकू का मज़ा आता है। बहुत सारे प्लांट्स मिल रहे हैं, प्लांट्स देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। लुक एट दिस वन, ओह दिस इज ओके। इफ यू वांट सम टाइम वी कैन बाय हियर, इफ यू वांट टू ट्राई विद फॉर हो। Oh wow! They feed it. कितने सारे pigeons हैं। ये मैं फोटो बहुत अच्छी आएगी। Oh my god! It's surrounding me. याद है हमने टर्की में भी ऐसी एक फोटो खींची थी। The real flowers, look at guys, it's so beautiful. और ऐसे ये जगह जगह पर लगे हुए हैं, wow. And यहाँ पर ये आई थिंक इनकी जो हमने टर्की में भी देखी थी। सो दिस इज अ फेमस स्ट्रीट, क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो, मैं लिख दूंगी। एंड इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रांड्स हैं यहाँ पर, एंड इट्स लुक ब्यूटिफुल, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, एंड द लीफ यू कैन टच, कितना, हाँ प्लास्टिक बट बड़ा थिक, अब बहुत ही बढ़िया है। एंड देयर इज सम स्टोर, प्लांट्स की दुकान बहुत है। देखिए, तो अभी जहाँ जहाँ धूप हो रही है वहाँ तो अच्छा लग रहा है, जहाँ जहाँ ठंड हो रही है वहाँ पर गर्म। और ये मेरे कबूतर का फैदर हट ही नहीं रहा है, छिपा ही गया है। यहाँ पर भी कैट्स कितनी है, ये देखिए, जैसे हमारे पहाड़ों में ट्री होते हैं वैसी पाम के ट्री पे वो लग रहे हैं, ये देखिए ये। सो यहाँ बीचों बीच ऐसे सब जगह आपको ट्री मिल जाएंगे लगे हुए, तो ये माउंटेन की फील दिखाते हैं। बेसिकली जहाँ ठंडक होती है वहाँ पर ये ट्री आपको मिल जाएंगे आराम से। एंड इन सब गलियों में घूमने का मज़ा बेसिकली रात को ही है, एंड अभी तो इतना पता नहीं चल रहा है, रात को पता चलेगा जब यहाँ रौनक आएगी। घर देखिए ये, सो इसका स्ट्रक्चर सारा यूरोप की तरह है, यूरोप वाला फील आता है यहाँ पर, ये इस तरह, ये देखिए, ये देखिए,
आ रहा है ना इसको देखकर यूरोप वाला फील। दिस इज अभी हम आए हैं मनी एक्सचेंज करवाने लेकिन मैंने कंपेयर करा है कि दुबई से भी ज़्यादा महंगा है। मतलब दुबई के एक दो दराम यहाँ का आई थिंक एक मनार कहते हैं यहाँ का वो है, बट क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू, और जो खासकर इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सो ये है इसका, बट इट्स ओके। आप कहीं आते हो तो वहाँ की करेंसी चाहिए, यहाँ पर ये लोग कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सिर्फ डॉलर्स हैं। कभी आप प्लान करें तो सिर्फ डॉलर्स लेकर आएं और उसको एक्सचेंज करें यहाँ पर। तो एक हमें ये बैंक मिला है यहाँ पर, आई थिंक हम लोग के साथ दराम भी एक्सचेंज हो जाएंगे अगर आपके पास दराम भी हैं। पूछने गए, लेट्स सी क्या होता है। एंड दिस इज अ वे, तो पूरा ऐसे पुराने ज़माने का जैसे यूरोप होता है ना उस टाइप का लुक आ रहा रशिया का, क्योंकि रशिया के अंडर में था पहले ये। एंड लुक इट गाइस, और अभी बज रहे हैं 12 और अभी हम लोगों को होटल नहीं मिला है, तो हम सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट थोड़ा करके हम इसका कर लेते हैं, मतलब घूम लेते हैं और फिर उसके बाद जो होटल में जाकर रिलैक्स करके फिर रात को निकलेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे अब फ्लावर्स आने शुरू हो गए इस पेड़ में, लुक इट गाइस। वेजिटेरियन ढूंढे ढूंढे इतना टाइम हो गया है कि अभी तक मिला नहीं, कभी गूगल कह रहा राइट कभी कह रहा लेफ्ट, अब किधर जाना है ये भी नहीं पता चल रहा है। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें ये वेजिटेरियन कैफे मिला है, इसका नाम है कैफे फलाफल, और यहाँ पर आई थिंक सारी वेजिटेरियन ही होती हैं डिशेस। ये देखिए इस तरह, दिस इज़ द फर्स्ट डे इन बाकू एंड दिस इज़ माय रूम। जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, एंड दिस इज़ अ वॉशरूम एंड दिस इज़ अ बेड, यहाँ अभी मिरर लगा हुआ है। सो एंड दिस इज़ अ टीवी एंड दिस इज़ सोफा कम बेड, एंड व्यू बड़ा धांसू है इसका इधर से। एंड ये जो बिल्डिंग दिख रही है फायर बिल्डिंग भी कहते हैं, फायर कुछ कहते हैं इसको, मेरे को अभी नाम नहीं पता, अभी इतने थक रहे हैं कि कुछ दिमाग की बत्ती भी ऑन नहीं हो रही है। एंड दिस इज़ अ व्यू, आई थिंक दिस इज़ अ सी, ये पूरा सी व्यू दिख रहा है यहाँ से, फायर बिल्डिंग बोलते हैं इसको आई थिंक। एंड ये बाकू ऐसे दिख रहा है। सो अभी बस थोड़ा रेस्ट करके अभी हम फिर से थोड़ा शाम को बाकू का टूर करने जाएंगे। सो लेट्स सी जो होता है आपको दिखाते हैं। लुक एट द वन,